हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए किस तरह से बढ़िया बढ़िया कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं ताकि आपकी वीडियो रैंक हो, आपका चैनल रैंक हो। देखिए, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो सिंपल सी बात है कि आपके चैनल को ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, और अगर आप किसी भी वीडियो की SEO ढंग से नहीं करेंगे तो वीडियो आपकी कहीं पर नहीं जाएगी, कोई आपकी वीडियो को नहीं देखेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो वीडियो की SEO को अच्छे से कीजिए ताकि लोगों की सर्च रिजल्ट में वो दिखाई दे। जैसे कोई यूज़र YouTube पर कुछ सर्च करे तो आपकी वीडियो वहाँ पर जानी चाहिए। अगर वहाँ पर नहीं जाएगी तो ना तो सर्च रिजल्ट में शो होगी और ना ही किसी सजेशन में आपकी वीडियो जाएगी। सबसे पहला काम है वीडियो की SEO करना। SEO अच्छी होगी तो आपकी वीडियो रैंक होगी। तो आज मैं इस वीडियो पर इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी वीडियो की SEO बढ़िया से कर सकते हैं ताकि आपकी वीडियो पर पेज व्यू भी आएँ और आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट में शो भी हो। देखिए, अभी आप देख सकते हैं मेरा एक सॉफ्टवेयर है जिससे मैं अपनी YouTube वीडियोस को मैनेज करता हूँ। देखिए, ठीक है, मेरे बहुत से चैनल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम भी मेरे चैनल्स के यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब देखिए मैं कैसे काम करता हूँ, मैं आपको ये तरीका बताऊँगा, साथ ही दिखाऊँगा कैसे मैं अपनी वीडियो को रैंक कराता हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक न्यू एनालिस दूंगा और यहाँ पे देखिए टाइटल, यहाँ पे मैं डालूंगा टैग्स और यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि आखिर YouTube पर क्या चीज़ें सर्च हो रही हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे YouTube को ओपन कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहला काम है टॉपिक को सर्च करना, ऐसा टॉपिक सर्च करना जो लोग सर्च करते हों। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो कभी भी ऐसे टॉपिक पर वीडियो मत बनाइए जो लोग सर्च ही नहीं करते। ठीक है, अगर ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे जिसकी सर्च ही नहीं है तो आपकी वीडियो कहीं पर भी रैंक नहीं करेगी। ठीक है, सबसे पहला काम है टॉपिक रिसर्च। तो सबसे पहले टॉपिक हम रिसर्च कैसे करते हैं, हाउ टू डिलीट। ठीक है, देखिए मैं एक यहाँ पर टॉपिक लूँगा, हाउ टू डिलीट फेसबुक पेज। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए जैसे मैं ये लिखता हूँ तो मेरे सामने बहुत से कीवर्ड आ जाते हैं, है ना। तो देखिए आपको यहाँ से कीवर्ड आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ये कीवर्ड कितनी बार सर्च है महीने में, क्या कंपटीशन है इसका और कितनी CPC आपको मिलती है, वो सब जानने के लिए आप यहाँ से वो सब जान नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आप कीवर्ड प्लानर टूल, ये फ्री टूल है गूगल का जहाँ से आप पता कर सकते हैं कौन सा कीवर्ड पर मंथ कितना सर्च होता है, उसकी CPC क्या है, उस पर कंपटीशन कितना है, वो सब आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्या करें, यहाँ पर आएँ, कीवर्ड प्लानर टूल फ्री का टूल है बिल्कुल। ठीक है, आपको यहाँ पे सर्च करना है, देखिए मैं करके दिखा दूँ, अगर आप जानते हो इस बारे में तो आई होप कि आप क्लियरली कर लेंगे, लेकिन अगर आप कीवर्ड प्लानर के बारे में नहीं जानते हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहोगे तो मैं एक नया वीडियो कीवर्ड प्लानर के ऊपर भी बनाकर प्रोवाइड जरूर करूँगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है हाउ टू डिलीट, देखिए एंटर कर दीजिए। अब देखिए आप जैसे यहाँ पे एंटर करें तो आप देखेंगे 1197 कीवर्ड है, जो डिफरेंट तरीके से इस टॉपिक को सर्च किया जा रहा है, वो 1197 कीवर्ड है। आप यहाँ पे क्लिक करिए, डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो CSV फाइल में आपको डाउनलोड कर लेना है। CSV फाइल आप एक्सेल में ओपन कर सकते हैं, अगर आपने अपने लैपटॉप में एक्सेल को इंस्टॉल नहीं किया तो लैपटॉप में एक्सेल को इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करिए, इसके बाद देखिए आपके सामने इस तरह की ये टेबल ओपन हो जाएगी, आपको यहाँ से करना कैसे है वो देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले इसने बताया है कि कीवर्ड जो सर्च हो रहा है उसका नाम क्या है, ये देखिए सबसे पहला कीवर्ड है हाउ टू डिलीट फेसबुक पेज, सबसे ज़्यादा कीवर्ड सर्च होता है यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये देखिए 50,000 बार। आप एक काम करिए, इसको फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ फिल्टर के ऊपर क्लिक कीजिए, फिल्टर करिए और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर कर दिए लार्ज टू स्मॉलेस्ट, और फिर मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा कीवर्ड सर्च होता है ये वाला, तो देखिए अगर ये वाला कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च होता है, कॉमन कीवर्ड है, तो आप अपनी वीडियो में इसको यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस कीवर्ड पर पहले से बहुत सी वीडियो रैंक हैं। अगर आप अपनी वीडियो के टाइटल में इसको डालेंगे तो बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि आपकी वीडियो बिल्कुल भी रैंक नहीं करने वाली। आप चाहें तो इस कीवर्ड को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं या फिर टैग में डाल सकते हैं। जब आपकी वीडियो किसी अदर कीवर्ड पर रैंक हो जाएगी तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी वीडियो इस कीवर्ड पर भी रैंक हो जाए। ठीक है, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए या फिर टैग में, हालांकि मैं सजेशन करूंगा कि आप इसको कहीं भी ना डालें। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे आपको ये वाले कीवर्ड अच्छे हैं, तो आप एक काम करिए, देखिए हाउ टू डिलीट FB पेज, अगर इसको सर्च करेंगे, देखिए कॉपी करिए और यहाँ ब्राउज़र में आइए,
देखिए ब्राउज़र में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे देखिए दो एक्सटेंशन यूज़ किए हैं जो मुझे बताते हैं कि कौन से कीवर्ड की कितनी सर्चेज है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी कीवर्ड वहाँ से कॉपी करके लाया हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर करूँगा तो देखिए मेरे सामने ये एक वीडक्यू की एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, आप चाहें तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी मेरे पास में ट्यूबडी की है, आप शायद ट्यूबडी के बारे में जानते होंगे, शायद वीडक्यू के बारे में आप ना जानते हो, तो आप आईक्यू को भी इंस्टॉल कर लीजिए और जो आपका ट्यूबडी है इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए क्या फ़ायदा होगा ये देख लीजिए, जो वीड आई क्यू है यहाँ पे दिखाता है इस तरह से, देखिए क्या आ रहा है कि हाईएस्ट व्यू इतने हैं, एवरेज व्यू इतने हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइटल में ये वाला कीवर्ड 20 वीडियो जो टॉप में ऊपर की तरफ सबसे ऊपर की तरफ जो वीडियो आ रही हैं 20, उनमें से एक टाइटल में है, सिर्फ एक ही टाइटल में है। दूसरा जो डिस्क्रिप्शन में है वो 3 डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये हमारा वीडियो है, ये वाला सबसे टॉप पर रैंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप क्रिएटर भी हम ही हैं, आगे स्मार्ट माइंड के नाम से ही हम हमारा चैनल है और हमें इस टॉपिक के इसी कीवर्ड के हम टॉप क्रिएटर्स में से आते हैं जो हमें बता रहा है ये, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, इसने बताया कि 61% आपके चांस हैं इस कीवर्ड पर रैंक करने के, 100 में से 61 बहुत होते हैं तो आप इसको इजीली रैंक कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ SEO करना आना चाहिए YouTube का। यहाँ पे नीचे आइए, देखिए ये भी हमारा वीडियो है, देखिए ये भी रैंक कर रहा है ना स्मार्ट माइंड। अब देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए आपको ये विड आई क्यू एक्सटेंशन और भी यहाँ पे आपको सजेशन देता है ये वाले कीवर्ड, जिनकी आप परसेंटेज देख सकते हैं, 67% इस कीवर्ड पर चांस है आपके रैंक करने के, तो आप यहाँ से भी चेक कर लीजिएगा एक बार। नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा ये हमारा ट्यूबडी स्टार्ट होगा, ट्यूबडी क्या दिखा रहा है वो देख लीजिए। उसके लिए आप यहाँ कीवर्ड स्टेटस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो कीवर्ड आपने डाला है ये कीवर्ड आपका जो टाइटल में है वो एक में है और जो डिस्क्रिप्शन में है वो एक में है, लेकिन ये वाला जो कीवर्ड है टॉप 10 वीडियो में से 5 वीडियो के टैग्स में है। तो देखिए वीडियो के टैग में है कोई बात नहीं, आप एक ऐसा कीवर्ड सर्च कीजिए जो किसी वीडियो के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग में बहुत कम हो और उसको अपने टाइटल में डालिए, ठीक है। टाइटल में भी डालिए, डिस्क्रिप्शन में भी डालिए और टैग्स में भी डाल दिया, ठीक है, तो वो आपकी वीडियो रैंक करेगी। आपको करना क्या है ध्यान से समझिए, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आप कीवर्ड कैसे निकाल के लाएंगे, कीवर्ड प्लानर से आप इस टेबल को कैसे प्राप्त करेंगे। अब आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपको लेने हैं, जैसे मैंने अभी चेक किया ये वाला कीवर्ड, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद हाउ टू रिमूव फेसबुक पेज, मैं आपको चाहूँ देखिए मैं इसको काम करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर भी इस कीवर्ड पर भी हम ही रैंक है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमारा वीडियो आ रहा है ना, तो यहाँ पर चेक करेंगे 60% चांस आपके हैं इस कीवर्ड पर रैंक करने के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अदर कीवर्ड दिखा रहा है, इसी तरह से हम नीचे ट्यूबडी के पास जाते हैं, ट्यूबडी क्या बताएगा हमको, ट्यूबडी बता रहा है कि ये वाला कीवर्ड जो आपने डाला है ये किसी भी वीडियो के टाइटल में नहीं है, जो 22 वीडियो शो हो रही हैं ऊपर की तरफ उनमें से किसी भी वीडियो के टाइटल में नहीं है, डिस्क्रिप्शन में है, टैग में भी है, ठीक है, तो आप इस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 60% चांस है इस पर रैंक करने के, ठीक है। ऐसे ही कीवर्ड आपको यूज़ करने हैं जहाँ जो कीवर्ड्स यहाँ पर ग्रीन कलर के शो हो रहे हों, ग्रीन कलर की आपकी कॉम्पिटिशन शो हो रहा हो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, इस तरह से आपको सभी लगभग 10 से 15 कीवर्ड निकालने हैं, अच्छे अच्छे कीवर्ड, ठीक है, जिनकी सर्च वॉल्यूम भी ठीक हो और कीवर्ड की जो कंपटीशन है वो ज़्यादा ना हो, ठीक है, उस पर आप काम कर सकें, उसकी परसेंटेज काफ़ी बढ़िया वाली हो। देखिए यहाँ से आपको 10 से 15 कीवर्ड, ज़्यादा कीवर्ड की बिल्कुल भी वो नहीं करनी है। और एक बात का ध्यान रखना है, जो ये सर्च वॉल्यूम, कभी आप ये देखोगे इसकी सर्च वॉल्यूम काफ़ी है, इसको तो मैं ज़रूर यूज़ करूँगा वीडियो के टाइटल में, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि अकेला आपका वीडियो नहीं है यूट्यूब पर, इस टॉपिक पर बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, आप गलती कर जाओगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको ये वाले कीवर्ड लेने हैं। अब देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, इस कीवर्ड के, ये वाला जो ऊपर वाला कीवर्ड है, इस कीवर्ड के सर्चेज हैं 50,000, ठीक है, लेकिन आप ये वाले दो सर्च, ये आप ये वाला नहीं यूज़ करते बल्कि ये वाले यूज़ कर लेते हैं, ये वाले जिन पर कंपटीशन बहुत ही कम है और इनकी सर्च वॉल्यूम भले ही कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए ये वाला आप कीवर्ड यूज़ करते हैं और 50,000 में से आपको मिलते हैं मान लीजिए 100 पेज में, तो क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले से वीडियो बहुत सी वीडियो हैं जो पहले से रैंक है इस टॉपिक पर। लेकिन अगर आप ये वाले टॉपिक, ये वाले कीवर्ड्स यूज़ कर लेते हैं और आपको 100 की जगह ये 400-500 में से लगभग 100 पेज भी आपको मिल जाते हैं, तो आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी, आपको अच्छे खासे पेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखना है कि सर्चेज ज़्यादा है तो मैं भी यूज़ करूँगा, ऐसा नहीं करना है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, आप उस पर रैंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा दूँ मैं, देखिए हमारा एक वीडियो, ये आप देख सकते, अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया था डिलीट फेसबुक पेज, देखिए हमारे सभी कीवर्ड तीसरे नंबर पर रैंक कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर, 8000 तीसरे नंबर पर,
कुछ टाइम के बाद जब ये अच्छा खासा वीडियो देखा जाएगा तो ये फर्स्ट नंबर पर रैंक करना शुरू कर देंगे। अभी आपको दिखाएं, ये हमारा वीडियो है सबसे ऊपर की तरफ, आप देखेंगे, ये देखिए ये हमारा वीडियो है सबसे ऊपर की तरफ आ रहा है, ये हमने ऑलरेडी रैंक करा रखा 370,000 पेज व्यू है, ठीक है। अगर आप इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आप इजीली अपनी वीडियो को रैंक कर पाएंगे। अब देखिए मेरा तरीका समझ लीजिए, मैं कैसे काम करता हूँ। मेरे पास में ये है, मैं ये चेक करता हूँ कि जो टेबल मैंने अभी एक्सपोर्ट की है, इस टेबल में से जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला कीवर्ड अच्छा लगा है और मुझे लग रहा है कि अगर इस कीवर्ड का यूज़ मैं टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग में रखूँगा तो मेरी वीडियो रैंक करेगी, क्योंकि अच्छी खासी इसके पास कॉम्पिटिशन बहुत कम थी। ग्रीन कलर में ये हमें परसेंटेज दिखा रहा था, 60% चांस थे इसके। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा टाइटल में भी, और ये मेरा हो गया टैग और ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे डाल दूँगा, इसका डालने का तरीका मेरा अलग है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पहले चेक कर लेता हूँ, मान लीजिए मुझे ये नहीं लेना है या फिर मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसको चेक कर लिया, मैंने इसको चेक कर लिया। अब जो बचते हैं, मान लीजिए मुझे लगा कि मैं इन सब को यूज़ करूँगा अपने वीडियो में, तो मैं इसे देखिए एक बार आपको दिखा दूँ मैं करके कैसे करते हैं हम। ये देखिए ये हो गया। अब बीच बीच में यहाँ पे कुछ खाली लाइन्स हैं, इनको हम एक काम करेंगे, यहाँ से फिल्टर कर लेंगे, यहाँ से हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक चूज करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो क्लिक करेंगे और जितने भी ब्लैंक हमारे ये रोज हैं इनको हम डिलीट कर देंगे। अब ये बचता है, हम इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कॉल करेंगे और इसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास में केवल ये बच गया टॉप के 14 कीवर्ड जिनका हमें यूज़ करना है। देखिए मैंने रैंडम सिस्टम लिया है, मैंने कोई चेक नहीं किया है, मैंने माना है कि हाँ मैंने इनको चेक किया है और मुझे इनका यूज़ करना है। आप एक एक कीवर्ड को अच्छे से चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या होता है, देखिए उसके बाद मान लीजिए मुझे टैग्स जनरेट करने हैं कि ये सभी मुझे एज ए टैग भी यूज़ करने हैं अपनी वीडियो में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एक्सेल का कनकैटिनेट का, तो आप यहाँ पे उसका यूज़ करना है, यहाँ पर लिखेंगे कनकैटिनेट। उसके बाद जो ऊपर की तरफ आपने अभी इक्वल करके ये कीवर्ड यहाँ पे कॉपी किया है उसको सिलेक्ट करना है, फिर ये कोमा लगाना है, उसके बाद डबल कोट्स, फिर कोमा, फिर डबल कोट्स, फिर कोमा, और उसके बाद दूसरे नंबर वाला टैग और एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हमारे पास में कीवर्ड आ गया, आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाला आपको कीवर्ड लेना है। यहाँ पे आपके कीवर्ड्स जनरेट हो चुके हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है और अपने आप नोटपैड में सेव करके रख सकते हैं, जहाँ पर भी सेव करना चाहें सेव करके रख सकते हैं। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है तो मैं यहाँ डायरेक्टली यहीं पर इसको सेव करता हूँ। तो देखिए मेरे पास में टैग्स तो जनरेट हो चुके हैं, अब सीधा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो यहाँ से टैग को कॉपी करूँगा और वहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मान लीजिए मैंने एक कीवर्ड तो ये वाला ले लिया, जो भी ये वाला कीवर्ड जो मैंने अपने टाइटल में यूज़ कर लिया और टैग्स में भी चला गया है, ठीक है। अब देखिए मुझे मान लीजिए ये वाला और भी मुझे यूज़ करना है अपने टाइटल में, तो मुझे यहाँ पर इसको भी यूज़ कर लेना है। यहाँ पर मैं ये लगाऊँगा और का आइकन और उसके बाद ये रख दूँगा, ठीक है। तो देखिए ये टाइटल इस तरह से आपको 2 से 3 कीवर्ड जो अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे उनको यहाँ पे आपको टाइटल में यूज़ कर लेना है। ध्यान रखना है जो कीवर्ड्स आपने टाइटल में यूज़ किए हैं, 2, 3, 4 जितने भी किए हैं, उनको आपको टैग्स में भी रखना है और डिस्क्रिप्शन में। देखिए डिस्क्रिप्शन में कैसे बनाता हूँ वो भी समझ लीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 1, 2, 3 करके, ऐसे है ना, जहाँ तक भी मेरे कीवर्ड्स हैं उनको मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रैक कर दूँगा ऐसे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मैंने अभी ये फॉर्मूला लगाया था यहाँ बीच में से कोमा हटा दूँगा और अब की बार यहाँ पे खाली जगह छोड़ दूँगा और यहाँ पे कोमा लगा करके ये नंबर यहाँ पे डाल दूँगा और उसके बाद फिर डबल कोट्स लगाऊँगा, डॉट लगाऊँगा, स्पेस, फिर डबल कोट्स, एंटर कर दूँगा। अब देखिए आपने सुना भी होगा और किसी ने आपको बताया भी होगा कि डिस्क्रिप्शन में जो आपने ये टैग्स रखे हैं, जो टाइज आपके कीवर्ड्स हैं इनको जो रख रहे हैं, उनके साथ आपको कॉमा नहीं लगाना चाहिए, तो कॉमा मैंने इसलिए हटाया, इसलिए यहाँ पे नंबर्स लगाए हैं। अब यहाँ पे कॉपी करिए इसको, ये कॉपी करिए और उसके बाद यहाँ मैंने ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी करूँगा और डायरेक्टली जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें मैं पेस्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कवर टॉपिक्स इन दिस वीडियो, है ना, ये लिख लेते हैं, सॉरी वीडियो लिखा गया, एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे आप एंटर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे किसी भी कीवर्ड के बीच में कोमा नहीं है बल्कि नंबर है। आप चाहें तो इन नंबर, इन कीवर्ड्स को ऐसे भी कर सकते हैं, 01 डॉट और उसके बाद दूसरे नंबर को इसको ऐसे आगे चलेंगे, फिर इसको नीचे की तरफ ऐसे कर देंगे, सभी को आप लाइन में इस तरह से रख सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब जब आप वीडियो अपलोड करेंगे इस टॉपिक की तो आपको कुछ भी नहीं करना है, टाइटल यहीं से कॉपी करना है, टैग भी यहीं से उठाने हैं और डिस्क्रिप्शन भी आपका तैयार है, ये भी यहीं से उठाना है, ठीक है।
तो आई होप आपको कीवर्ड रिसर्चिंग आ गई होगी, कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करके अपनी वीडियो में यूज़ करेंगे तो आई होप आपकी वीडियो मेरी तरह से रैंक हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर टैग और यूट्यूब संबंधी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारा ऐसा यूट्यूब का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो।